गाजीपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अलीसा हत्याकांड का आज पर्दाफाश हो गया और अलीसा का हत्यारा गिरफ्तार हो गया। अलीसा हत्याकांड से कांप उठा था गाजीपुर। 5 दिन के भीतर ही गाजीपुर पुलिस ने किया हत्यारे को गिरफ्तार। इस जघन्य हत्याकांड से गाजीपुर की जनता सड़कों पर उतर आई थी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहीं गाजीपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्रता की। गाजीपुर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धक्का मारा। इस प्रदर्शन में स्कूली बच्चे थे और उन स्कूली बच्चों के सामने था पुलिस का तेवर, जिसको देखकर बच्चे सहम गए। गाजीपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अलीसा हत्याकांड का आज पर्दाफाश हो गया और अलीसा का हत्यारा गिरफ्तार हो गया। आपको बताते चले कि मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास। अभी अभी पुलिस अधीक्षक ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है और बताया कि अलीसा का हत्यारा और कोई नहीं, उसका सगा जीजा था। उसके सगे जीजा ने ही अलीसा की हत्या की थी। आपको बता दें कि 2 नवंबर को सुबह 7 बजे बिरनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीसा इरफान की लाश मिली थी। 25 वर्षीय अलीसा इरफान जंगीपुर के रूहीपुर के एक डिग्री कॉलेज में BTC की छात्रा थी। अलीसा इरफान की लाश 2 नवंबर को सुबह 7 बजे मिली। शाम को उनके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने लाश को आइडेंटिफाई किया और पहचान लिया कि ये उनके घर की ही लड़की है, जिसका नाम अलीसा इरफान है। अलीसा इरफान की जीजा का अलीसा से नाजायज संबंध था, ऐसा उसका जीजा बता रहा है। उसके जीजा ने अलीसा को बिरनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मजार पर बुलाया। अलीसा जीजा के साथ मजार पर पहुंची। जीजा ने अलीसा को पीछे से वार किया और अलीसा वहीं अचेत हो गई। उसके बाद झाड़ियों में ले जाकर मानवता की सारी हदें पार कर खास जीजा ने अलीसा की हत्या कर दी और उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। क्या मामला है? आपको ध्यान होगा कि 1 तारीख को बिरनो थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, एक लड़की का, जिसका चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया था। ये एक बड़ा सनसनीखेज अपराध था, एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, एक गुत्थी थी। लेकिन उस लड़की की पहचान बहुत जल्दी ही गुमशुदगी के सूचना के आधार पर हो गई थी। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली अलीसा लड़की, जो BTC का कोर्स कर रही थी, उस संबंध में परिवार वालों ने बताया कि वो 1 तारीख को कॉलेज जाने के लिए निकली थी और उसके बाद शाम तक वापस नहीं आई। पीड़िता या मृतका है, उसकी माँ कैंसर पीड़ित हैं, वो इलाज के लिए उस दिन वाराणसी गई हुई थी। देर शाम लौटने के बाद वो लड़की नहीं आई, पूछ तलाश की गई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस आधार पर उसका चिन्हीकरण हुआ। बहुत से एंगल्स इसमें थे, कुछ परिवार वालों से जानकारी मिली, कुछ अन्य सूत्रों से जानकारी मिली। उसके बाद एक टीम गठित की गई अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस की टीम सम्मिलित थी। तीनों टीमों ने बड़ी मेहनत से काम किया। जो भी डिजिटल एविडेंस जुटा सकते थे, अभिलेखीय साक्ष्य जुटा सकते थे, जो जमीनी सूचना थी, उसके आधार पर ऐसी जानकारी विकसित हुई कि इस लड़की के सगे जीजा इमाम बख्श, जिनका नाम है, जो गिरफ्तार भी किए गए हैं, इमाम अहमद सिद्दीकी या इमाम बख्श, उनकी संलिप्तता के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले
इसे और विकसित किया गया, डिजिटल एविडेंसेस जुटाए गए और ये पता चला कि 1 तारीख को ये मृतका अपने जीजा के साथ किछौछा शरीफ गई, अम्बेडकर नगर में दरगाह है जहाँ लोग मान्यता मानने के लिए जाते हैं, और वहाँ से लौटते समय ही इसके साथ ये अपराध कारित किया गया। और अधिक विकसित करने पर जब विश्वास हो गया, उस आधार पर इमाम बख्श को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ करने पर वो टूटा और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। न केवल घटनाक्रम बताया बल्कि इस घटना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य भी उसके पास से बरामद हुए। घटनाक्रम के बारे में उसने बताया कि वो अलीशा की एक बहन का पति है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके ससुराल में बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। अलीशा से उसका व्यक्तिगत संबंध था और समय असमय उसने अलीशा की विभिन्न प्रकार से मदद भी की थी। अलीशा का के ऊपर ऐसा लगता है कि उसका एक तरफा प्यार संबंध भी था, जिसको इजहार करने पर अलीशा ने उसका विरोध किया। यद्यपि कुछ नज़दीकियां इनके बीच बताई हैं अभियुक्त ने, लेकिन अभियुक्त का कहना ये भी था कि अलीशा के कॉलेज जाने और लोगों से बातचीत करने पर आपत्ति करने पर अलीशा इस बात का प्रतिरोध करती थी, जिससे वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आहत था और इसलिए उसने अलीशा की हत्या करने का मन बनाया। इसको योजनाबद्ध तरीके से कारित करने के लिए उसने उसे किछौछा शरीफ चलने का के लिए इनवाइट किया, और अभियुक्त का कहना है कि अलीशा किछौछा शरीफ अपनी एक मनौती मांगने के लिए जाना चाहती थी, पूर्व में कभी उसने बताया था। घटना वाले दिन सवेरे करीब 6:35 बजे कॉल करके उसे रोज़ा तिराहे पर बुलाया। रोज़ा से मोटरसाइकिल से वो जंगीपुर बेरनो दुल्लहपुर थाने वाली रोड से आजमगढ़ होते हुए किछौछा शरीफ तक गया। वहाँ जो स्नान करने का तालाब है, वहाँ स्नान करने के बाद 1:30 बजे के लगभग इसने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी और फिर कहीं चाय नाश्ता करने के बाद उसी रास्ते से वापस आया। अंधेरा हो जाने पर दुल्लहपुर क्रॉस करने के बाद इसकी बेचैनी बढ़ी और एक जगह सुनसान जगह पर इसने पेशाब करने के बहाने रुका, मोटरसाइकिल खड़ी की। अलीशा आड़ देकर खड़ी हुई थी और ये पेशाब करने के बहाने से मुड़ा। बराबर इसके पास एक पिट्ठू बैग था जिसमें अपने साथ एक दांव ले गया था। उस दांव से इसने अलीशा के सर पर पीछे से प्रहार किया। ऐसा लगता है कि उस पहले प्रहार से वो बेहोश हुई। उसके गिरते ही ये खींच कर झाड़ी में ले गया जहाँ पर उसका शव बरामद हुआ 1 तारीख को। वहाँ ताबड़तोड़ उसने मुंह पर चेहरे पर उस दांव से धारदार हिस्से से प्रहार किया, जिससे बड़े विभत्स तरीके से क्षत विक्षत हो गया शव उसका चेहरा और वो पहचान योग्य नहीं रह गया था। इसके बाद ये व्यक्ति वापस आया रोज़ा। उस खींचतान के दौरान इसकी पैंट में तार वहाँ ताबाड़ वार था, उसकी खोंत लग गई। इसने एक दुकान से लोअर ख़रीदा, वापसी में अपनी पैंट रास्ते में फेंकी और अलीशा का बैग और चप्पल जो उसने मौके से ले ली थी उसे मोहम्मदाबाद और भावरपुल के बीच में एक जगह पर फेंका। उसके बताए हुए स्थान से दोनों चीज़ें बरामद हुई और अलीशा का मोबाइल दाब जो इस घटना में इस्तेमाल हुआ, वो शर्ट जो घटना के दिन वो पहने हुए था ये, और जिसमें बैग जिसमें वो दाब ले गया था, ये सभी सुसंगत जो साक्ष्य हैं ये उसके पोजीशन से बरामद किए हैं। पुलिस ने उसकी प्रॉपर लिखापढ़ी की है और उसे गिरफ्तार किया है। हम ऐसा ये विभत्स कांड है, लोमहर्षक कांड है। हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी अच्छे से अच्छा साक्ष्य संकलन हो सकता है प्रोफेशनल तरीके से, फोरेंसिक डिजिटल तरीके से, उसको समाहित करते हुए शीघ्र इसमें चार्जशीट लगाएं और न्यायालय से भी संपर्क करके अनुरोध करें कि इसे प्रायोरिटी पर ट्रायल पर लिया जाए।